गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे सेवन्थ क्लास। ठीक है, उससे पहले एक टेंगलिंग प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेंगल है, इसकी साइड है ये ए, ये बी है, ये कहीं सी है। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखें, ट्रेंगल की जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। आप ए प्लस बी दैट विल बी ग्रेटर देन सी होगा, बी प्लस सी ग्रेटर देन होगा ए से, सी प्लस बी ग्रेटर देन होगा इससे, सी प्लस ए ग्रेटर देन होगा ए से। मतलब कोई भी दो साइड लें, उनका सम तीसरी साइड से जो दोनों का सम होगा वो अकेले सिंगल साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे 6.4। और जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। फर्स्ट पार्ट है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल की इमेज ट्रायंगल बनानी है, ये 2 सेंटीमीटर साइड है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है क्या इन साइड्स से ये ट्रायंगल पॉसिबल है, क्या सच में ऐसे कोई ट्रायंगल है जिसमें 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चेक कैसे करेंगे, सम करेंगे बारी बारी से दो साइड्स का, एंड दैट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 कितना आया, 7, दैट शुड बी ग्रेटर देन 3, 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन तो सही हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अगर मैं इन दोनों को सम करता हूँ, 3 प्लस 5 8, दैट इज ग्रेटर देन 2, ये भी 2 है। आपको तीनों के देखने हैं, बारी बारी से हर दो साइड का सम करना है और तीसरी साइड से कंपेयर करना है। अब ये दोनों तो हमने कर लिए कंपेयर, अब इन दोनों को करते हैं, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे 5 ही है, दैट इज इक्वल टू 5, ये इक्वल आएगा, ये ग्रेटर देन नहीं है, इट मीन्स फॉल्स। देखिए 2 प्लस 3 5 आया, तो क्या ये ग्रेटर देन है 5 से, नहीं है फॉल्स, इट मीन्स आपकी ए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि नो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं जरा। आपको बताना है कि क्या ट्रायंगल में ऐसी कुछ हो सकता है कि क्या ट्रायंगल बनेगी 3 सेंटीमीटर, 6
सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर सा। तो बारी बारी चेक करेंगे दो साइड का सम, तीसरी से बड़ा होना चाहिए। पहले देखते हैं दोनों को, 3 + 6 कितना आया 9, दैट इज ग्रेटर देन 7। क्यू पहली चीज तो ट्रू हो गई, इन दोनों का सम इससे बड़ा है। फिर इन दोनों का देखेंगे 3 + 7 10 इज ग्रेटर देन 6, इन दोनों का सम भी 6 से बड़ा है, दैट इज आल्सो ट्रू। ठीक है, अब हमने देखिए कौन कौन से ट्रायंगल ले लिया साइड, 3 को 6 के साथ ले लिया, 3 को 7 के साथ ले लिया, अब 6 को 7 को लेंगे, 6 + 7 13 दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 3, ये भी 3 से बड़ी है, ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो ध्यान रखें अगर तीनों ट्रू आ जाए इट मींस वी गेट द ट्रायंगल, और अगर एक भी फॉल्स आ रहा है पिछले क्वेश्चन में वाला तो ट्रायंगल नहीं बनेगी, तो हम बोलेंगे यस ट्रायंगल इज पॉसिबल, ट्रायंगल क्या है पॉसिबल। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद उसमें एक थर्ड पार्ट है लास्ट, वो कर लेते हैं। थर्ड है 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ट्रायंगल है, ये साइड है 6, ये 3 है, ये 2 है। अब चेक कीजिए क्या इससे ट्रायंगल बन सकती है। देखिए 6 + 3 9 is greater than 2, 2 आ गए, ठीक है, 6 + 2 8 is greater than 3, ये भी 2 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 + 2 5, क्या ये greater है 6 से, नहीं, false, एक भी false आ रहा है, इसलिए triangle नहीं बनेगा, तो हम लिखेंगे 9 ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, नोट कर लीजिए।